तो प्यारे बच्चों, हमें कहानियों से ये सीखना चाहिए कि जैसी करनी वैसी भरनी। और कहा भी गया है कि करने का फल आज नहीं तो निश्चित कल। जो हम करते हैं आज नहीं तो कल हमें मिलना ही मिलना है। इसलिए कभी भी प्यारे बच्चों शैतानी मत करना, आराम से अपनी किताबों को पढ़ना। कुछ बच्चे किताबें फाड़ देते हैं, बैग फेंक देते हैं, जूते उधर फेंके, आज चप्पल उधर फेंकी, कपड़ा शर्ट उधर फेंकी, पैंट उधर फेंकी, इस तरह घर जाते हैं। तो ऐसे करते हैं, ऐसे भी नहीं करना चाहिए। इत्मीनान से जूते की जगह रखिए, कपड़े जहाँ टंगते हैं खूंटी पे या हैंगर पे वहाँ टांगिए, है ना। ये सब हम किताबों से सीखते हैं। तो ये सब कहानियाँ हमें इसलिए पढ़ाई जाती हैं कि हम इसे अपने जीवन में कुछ सुधार करें। तो हमें उम्मीद है कि आपको कहानी अच्छी लग रही होगी, पसंद आ रही होगी। लेकिन अब आप लोग कहोगे कल की तरह कि सर आपने किताब से नहीं पढ़ाई, किताब नहीं पढ़ना सिखाई हमें, जो लिखा हुआ है वो पढ़ना नहीं सिखाया, इसके वर्ड भी नहीं सिखाए। डोंट वरी, वो भी सिखाएंगे आपको। अभी हम सिखाते हैं। देखो, अब हम किताब पढ़ने की बारी करते हैं। अभी हमने कहानी ऐसी सुनाई और अब हम आपको किताब पढ़कर सुनाते हैं कि किस तरह से हम बड़े बड़े अक्षरों को पढ़ते हैं, कैसे हिंदी पढ़ते हैं, कैसे वर्ड मीनिंग में किसका क्या मतलब होता है, वो सब आपको सिखाएंगे। तो चलो बच्चों, अब पढ़ लेते हैं किताब। तो प्यारे बच्चों, देखो हम अब आपको किताब पढ़ना सिखाएंगे। अभी हमने खाली कहानी ओरल बताई थी आपको, ऐसी मौखिक। तो कल वाली किताब है जो हमने आपको कल पढ़ाई थी, क्लास सेकेंड यानी कक्षा दो, स्काई लाइन की बुक है, हिंदी सुरभि इसका नाम है। और इसके हमने कहानी आपको पढ़ाई थी अभी, जैसी करनी वैसी भरनी, पाठ नंबर 3, पाठ संख्या 3 है इसका, जैसी करनी वैसी भरनी। अभी हमने आपको समझाई, हमें उम्मीद है आपको बहुत सुनकर अच्छी लगी होगी। तो प्यारे बच्चों, चलो अब थोड़ा पढ़ना सीख लेते हैं कि हिंदी कैसे पढ़ते हैं, कैसे उसको समझते हैं। जैसे कि हमने बताया था आपको कि इसको पढ़ने से पहले, किसी चैप्टर को पढ़ने से पहले जो उसके मीनिंग्स होते हैं वो हमें जानने ज़रूरी होते हैं, क्योंकि उससे हमें जो चैप्टर है, जो पाठ है, वो आसानी से अच्छे से समझ में आ जाता है। चाहे हिंदी का हो चाहे इंग्लिश का हो, जब हमारा शब्दकोश बढ़िया होता है तो हमें वो भाषा की जो भी चीज़ें होती हैं आसानी से समझ में आती हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम सीख लेते हैं थोड़े से ये मीनिंग्स दिए हुए हैं, यानी कि शब्दार्थ दिए हुए हैं। तो शुरू करते हैं बच्चों। पहले लिखा है देखो, प्रतिदिन। प्रतिदिन का मतलब है रोज़ाना, यानी कि रोज़, आज भी कल भी परसों भी, इस तरह से। फिर दिमाग, ये तो सभी जानते होंगे, दिमाग मस्तिष्क को कहते हैं, जबकि मस्तिष्क थोड़ा टफ वर्ड है। ये इधर होना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा लगता, खैर कोई नहीं। दिमाग का मतलब होता है मस्तिष्क, यानी कि हमारा जो मस्तिष्क है, जो हम दिमाग जिससे सोचते हैं समझते हैं उसे कहते हैं। फिर लिखा बच्चों शरारती। देखो श रा पा का डंडा और र फिर ता बड़ी मतलब रहती, शरारती। शरारती मतलब शैतान, अर्थात नटखट, बहुत जिसे बाचाल कहते हैं, है ना, उससे कहते हैं शरारती या फिर शैतान। फिर लिखा है कुछ क्षण। कुछ क्षण, क्षण नहीं है क्षण, कुछ लोग क्षण पढ़ देते हैं, छा तो वो होता है छा वाला, एक क्षण है। कुछ क्षण अर्थात बहुत थोड़ा सा समय, यानी कि बहुत कम समय, उसको कहते हैं कुछ क्षण। कारीगर जानते हैं, मजदूर या कोई भी काम करने वाला, कोई भी चीज़ बनाने वाला, उसको हम कारीगर कहते हैं। फिर है बच्चों कूद फांद। अब देखो कूद लिखा है काबे की मात्रा, बड़ी की मात्रा, कू अद कूद फांद। देखो चंद्र बिंदु लगी इसमें, आ यानी कि अंग की आवाज़ आती है, आ फांद चांद, इस तरह से। को तो कूद फांद का मतलब होता है उछल कूद करना, तो बंदर होते हैं कूद फांद करते हैं, बच्चे भी करते हैं, उससे कहते हैं उछल कूद। पर अधमरा, अधमरा मतलब आधा मरा हुआ, यानी कि मरने ही वाला हो, अभी जिंदा है लेकिन पता नहीं कब मर जाए, उसे कहते हैं अधमरा। कहते नहीं कभी कभी लड़ाई हो जाती है, अरे मार मार के अधमरा कर दिया, यानी कि पता नहीं वो जिएगा कि बचेगा, तो इसे कहते हैं बच्चों अधमरा। अब देखिए हम बच्चों आपको सिखाते हैं कैसे हिंदी पढ़ते हैं, कहानी क्या है, तो ध्यान से समझेंगे सारे बच्चे। देखो उंगली रख लो यहाँ पर, ये लिखा है देखो एक, ये तो सिंपल से वर्ड है, पढ़ लोगे आप लोग आराम से, मुझे उम्मीद है। एक जंगल में बहुत से बंदर रहते थे, ये कहानी अपनी हमें हमने अभी आपको सुनाई थी। तो एक जंगल में बहुत से बंदर रहते थे, उनमें से एक बंदर बहुत ही शरारती था। शरारती अभी हमने पढ़ाया देखो मीनिंग्स में, वह प्रतिदिन यानी कि रोज़ रोज़ नई नई शरारतें, यानी कोई ना कोई नई हरकतें, कोई ना कोई नई शैतानियाँ करता रहता था। जंगल के पास ही एक सुंदर नगर था, यानी जो जंगल था जहाँ बंदर रहते थे, उसके पास में एक सुंदर सी कोई नगरी होगी, कोई शहर था। उस नगर के राजा के दिमाग, देखो ये लिखा है बच्चे दिमाग लाल स्याही से, लाल कलर से, इसका मतलब मस्तिष्क होता है। उसके दिमाग में जंगल के अंदर यानी जहाँ वो बंदर रहते थे, उसी जंगल में एक सुंदर सा मंदिर, ये लिखा है मंदिर, बनवाने की बात आई। उसने सोचा कि इस शहर, इस जो जंगल है उसमें एक मंदिर बनवाया जाए।
मंदिर बनवाने के लिए उसने चूना, सीमेंट, ईंटें, लकड़ी इत्यादि मंगवाना। ये देखो मंग चंद्रबिंद लगी है, ऐसे मंग पढ़ेंगे, जैसे चांद में चा अभी मतलब पढ़ा था, म अग मंग वाना, ये तो वाना सिंपल है, तो मंगवाना शुरू किया, क्योंकि मंदिर के बनाने के लिए ईंटें सीमेंट में सब चाहिए, वो सब सारी सामग्री उस राजा ने मंगवाना स्टार्ट कर दी। देखो आगे लिखा बच्चों, मंदिर के कारीगर यानी कि जो वहाँ के जो कामगार थे, जो काम करने वाले मजदूर थे और जो मिस्त्री वगैरह थे, वो सब दोपहर में भोजन करने के लिए अपने अपने घर चले जाते थे। यानी दोपहर को लंच होता था एक घंटे का, उसमें अपने आसपास के लोग थे तो घर चले जाते थे, तब वहाँ कोई नहीं रहता था। उस जंगल में जहाँ मंदिर का सामान रखा होता मंदिर बनवाने के लिए, वहाँ कोई नहीं रहता था। छोटे बड़े बंदर खुश होकर कूद फांद करने लगते थे, तभी वहाँ जो बंदर रहते थे जंगल में, वो सब वहीं आ जाते थे और अपनी शैतानी शुरू कर देते थे। पास ही एक कारीगर ने लकड़ी का एक आधा चिरा हुआ, जैसे मैंने बताया था कि उसमें कुछ खूंटी ठोंक रखी थी, आधा चिरा हुआ था लट्ठा, वो वहीं पर छोड़ दिया था और वो खाना खाने चला गया। तो प्यारे बच्चों, लट्ठे के बीच में यानी कि लट्ठे का जो लट्ठा चिरा हुआ था उसमें कुछ खूंटी ठुकी थी, एक खूंटी देखो लिखा है खूँ खूँ, देखो चंद्रबिंदु तो खूँ ऐसी आवाज आएगी, ठोंक दी थी उसने। बंदरों ने कभी दीवार पर तो कभी लट्ठे पर कूदना शुरू कर दिया। बंदर तो होते ही हैं शैतान, कभी इधर कभी आपने देखा होगा पेड़ पर उछल कूद करते रहते हैं, स्टैंडिश और स्टैंडी पे। शरारती बंदर को कोई ना कोई बात जानने की बड़ी इच्छा रहती थी, यानी उन बंदरों में जो शरारती बंदर था जिसके बारे में बताया गया, वो बड़ा जिज्ञासु बंदर था, कुछ ना कुछ जानना चाहता था कि ये कैसे कि वो कैसे, ये यहाँ क्यों वहाँ क्यों, इस तरह से उसकी जानने की उसने कोई इच्छा रहती थी। उसने देखा कि लट्ठे के बीच में खूंटी लगी हुई है, अब उसके दिमाग में आए खूंटी क्यों उसमें ठुकी और किसी में क्यों नहीं ठुकी है, बस इतनी सी बात थी, वह लट्ठे पर बैठ गया। देखो लट्ठा, देखो कुछ ऐसे ऐसे शब्द होते हैं जिसके नीचे ये जो डंडा दिख रहा है बच्चों मात्रा नहीं है, देखो हलंत कहते हैं, जैसे टा है, ठा है, डा है, इनके नीचे हलंत लगता है, ये कभी आधे नहीं बनते, कभी टा आधा नहीं बनता, डा आधा नहीं बनता, ठा आधा नहीं बनता, इनके नीचे हलंत लगा के आधा अक्षर माना जाता है। तो लट्ठे यानी कि आधे टा के बाद लट्ठे है ना, तो लट्ठे पढ़ते हैं इसके लिए, ऐसे अक्षरों के नीचे हम केवल ये हलंत लगाते हैं तो वो आधा माना जाता है। तो लट्ठे पर बैठ गया और खूंटी को खींचने लगा, उन्हें सोचा कि क्यों इसमें गड़ी हुई है, क्यों ठुकी हुई है, इसको मैं निकाल लूँ। देखो ये चित्र भी दिख रहा होगा आप लोगों को, ये पूँछ इसकी देखो दब गई, इसमें ये खूंटी निकल गई, गिर गई, देखो खींची होगी तो ये निकल गिर गई, उसकी पूँछ वहीं दब गई। इस चित्र से भी आप समझिए, वह कभी इधर घुमाता तो कभी उधर, लेकिन खूंटी नहीं निकल पा रही थी। बहुत कुछ ने कोशिश की बंदर ने निकालने की, जो खूंटा उसमें ठुका हुआ था वो निकला नहीं। आखिर वह बंदर थक कर वहीं बैठ गया, जब थक गया बहुत कोशिश करने के बाद पसीना आ गया, थक गया तो वहीं बैठ गया। फिर कुछ क्षण, देखो ये लिखा है वही कुछ क्षण माने यानी कि बहुत थोड़ा सा समय, कुछ क्षण बाद खूंटी अपने स्थान से, फिर बच्चों ये लिखा है देखो, स्थान से खिसक गई, वो खूंटी खिसक गई, तब बंदर की पूंछ जो थी, क्योंकि वहाँ बैठा हुआ था बंदर, वो लट्ठे के जो बीच भागों के बीच में फंस गई, जो चिरा हुआ था इस तरह गैप था उसमें फंस गई। अब तो बंदर बुरी तरह चीखने लगा, अब बंदर चीखा खों खों खींकी खूँ खूँ, मतलब और सारे बंदर भी उसकी आवाज़ को सुनकर आ गए होंगे। लिखा देखो उसकी चीख सुनकर सब बंदर उसके पास आ गए, उन्होंने देखो उन्होंने लिखा है ऊ आधना होने, देखो इतना छुपा लो, ये होने लिखा है, होने तो पढ़ लेंगे आप लोग, अब उन और लगा दो साथ में तो उन्होंने हो गया है ना, उन्होंने इस तरह से जोड़ जोड़ के पढ़ो, थोड़ा थोड़ा काट काट के आदाद करके पढ़ेंगे तो आप पढ़ना सीख जाएंगे। तो उन्होंने यानी उन्होंने अपने साथी को पकड़ कर देखो बड़ा शब्द है तो कोई बात नहीं, आधा पढ़ लो पहले, पकड़ फिर कर कर जोड़ो, तो इसमें पकड़ कर हो गया, पकड़ कर खींचना शुरू कर दिया, यानी कि जो बंदर के साथी थे उन्होंने उनको खींचा कि मैं हम निकलवा दें, लेकिन बेचारे बंदर की पूंछ जो थी भारी लट्ठे के बीच में ही टूट गई। अब बंदर बहुत परेशान, बंदर अधमरा हो गया, यानी कि पूंछ जो होती है बंदर के बहुत काम की चीज़ होती है, बंदर को पेड़ पर चढ़ते समय चलते समय तो बैलेंस बनाने का काम करती है पूंछ। अब बंदर जो था अधमरा हो गया, यानी कि बिल्कुल पता नहीं उसकी हालत बिगड़ गई, पूंछ की दर्द से इतनी करार आता कि पता नहीं कब मर जाए, उसे शरारत का फल मिल गया। तो प्यारे बच्चों आपने देखा कि किस तरह से बंदर शरारती था, उसने इतनी शरारत की और उस दिन उसको अपनी शैतानी का फल मिला। तो इसलिए बच्चों ये सीख इसमें दी है कहानी में, कि प्रस्तुत कहानी से हमें ये सीख मिलती है
कि हमें शरारत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे दूसरों के साथ साथ हमें स्वयं भी हानि पहुँच सकती है। तो प्यारे बच्चों, हमें ये सीखना चाहिए, समझना चाहिए कहानियों से कि हमें कभी शरारत नहीं करनी चाहिए, और ध्यान से अपने पाठ को, अपने टीचर्स की बात को, अपने जो बड़े हैं हमारे घर में उनकी बात को मानना चाहिए। तो बच्चों, ये जो हम पाठ जो पढ़ा के आपके इस चैनल जो है, आपको पता है RP पब्लिक स्कूल जोगीठेर, इस पर हम रोज़ कुछ ना कुछ वीडियो डालते हैं, छोटे क्लास की किताबों की, बड़े क्लास की किताबों की, हाई स्कूल का सिलेबस, इंटर का सिलेबस, इंग्लिश का, ये सब आपको इस पर देखने को मिल जाएगा। तो प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नहीं देखा है, तो इस चैनल को RP पब्लिक स्कूल जोगीठेर को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएँ, जिससे कि जो वीडियो यहाँ पर पढ़ रही हैं वो समय से आपको मिलती रहे, आपको उसकी जानकारी मिलती रहे, और हमारे विद्यालय में कैसी पढ़ाई होती है इसके बारे में आपको सारी जानकारियाँ समय पर मिलती रहें और इससे आपको लाभ हो सके। और प्यारे बच्चों, आपसे अपेक्षा है कि आप अपने साथ साथ दूसरों को भी इसका लाभ पहुँचाने में मदद करें, यानी कि दूसरों को भी इस चैनल के बारे में बताएँ और उसको भी वीडियोज़ दिखाएँ, जिससे कि उनको भी कुछ ना कुछ पढ़ना सीखना मिले और कहानियों से कुछ ना कुछ सीख मिले। तो आज की वीडियो यहीं तक, धन्यवाद।